आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है, आपका बहुत पैसा बचने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूँ गोडाउन के अंदर। और गोडाउन के अंदर मैं आपको क्यों लेकर आया हूँ, ताकि आप ये फ़र्क समझ सको कि आप जब शोरूम से टाइल खरीदते हो या गोडाउन से टाइल खरीदते हो तो क्या फ़र्क होता है, आपका फ़ायदा कैसे होता है। शोरूम से टाइल आप कैसे खरीदते हो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन गोडाउन से आपको टाइल खरीदने में क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आज की वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने देखे हैं बहुत सारे शोरूम्स जो मैंने आपको दिखाए हैं टाइल्स के, तो वहाँ पर भी हमेशा ही आपने देखा है टाइल्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। और हमेशा ही जब भी खुद से ऐसे कलेक्शन देखते हो तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि इतनी सारी टाइल्स आप दिखा तो रहे हो, लेकिन ये टाइल्स कहाँ कहाँ लगाएं। ऐसा ही आज की डिमांड के ऊपर मैं आपको गोडाउन के अंदर लेकर आया हूँ, जहाँ आपको एक तो प्रॉपर रेट का आइडिया हो जाएगा कि जो होल सेलिंग रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, जो रिटेल रेट होते हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, दूसरा कि जो टाइल्स हैं वो कहाँ लगानी चाहिए और वो टाइल्स क्यों लगानी चाहिए, और वो टाइल्स का रेट क्या होता है, होलसेलिंग रेट क्या होता है, रिटेलर रेट क्या होता है। तो आज आपके सारे कन्फ्यूज़न और सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के एक गोडाउन के अंदर। गोडाउन का जो एड्रेस है या जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अदित, आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर आर्किटेक्चर का मार्केट सर्वे एपिसोड 12। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कन्फ्यूजन सोल्व करने आया हूँ, तो पूरा वीडियो को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जो वीडियो का ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे पार्किंग, तो पार्किंग में कौन सी टाइल लगानी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि पार्किंग के अंदर टाइल्स नहीं लगानी चाहिए क्योंकि पार्किंग के अंदर टाइल्स क्रैक हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने हमारा प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, उसके अंदर हमने पार्किंग के अंदर टाइल्स लगाया है और उसके अंदर हमने गाड़ी पार्क की है, वो क्रैक नहीं हुई है। उसका रीज़न क्या है वो बता देता हूँ, और कौन सी टाइल लगानी चाहिए जो क्रैक ना हो और जो आपके ग्रेनाइट के से मतलब बेटर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो ग्रेनाइट जो आप लगाते हो या उसी की तरह आपका यूज़ हो और आपकी टाइल्स क्रैक ना हो। तो ये आपके सामने जो टाइल्स हैं ये 16 mm की टाइल्स हैं। तो जो पार्किंग के अंदर की जो टाइल्स हैं मैं बता रहा हूँ ये है 16 mm की टाइल्स, जो इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा है और ये फुल बॉडी टाइल्स है। फुल बॉडी का कहने का मतलब ये है कि जो इसके आपको ऊपर दिख रहा है ये आपको पूरा डेप्थ में दिखाई देगा, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा जैसे कोटा स्टोन होता है उसकी तरह दिखाई देता है। इसके अंदर आपको कलर भी और मिल जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पार्किंग में आप लगाते हो तो टाइल लगाने का तरीका बहुत जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि जब जैसे आप स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ देख रहे हो कि सबसे पहले आपका नीचे बेस होता है, उसके ऊपर आपका RCC होता है, उसके अंदर आपके बार्स भी होते हैं, तो उस तरीके से ही आपको टाइल लगाना चाहिए ताकि आपका टाइल्स क्रैक ना हो। आप 16 mm ना भी लगाओ, अगर आप ये वाला साइज़ भी लगाओगे, ये भी 2x4 है, लेकिन ये इसकी जो थिकनेस है ये थोड़ी कम है, लेकिन ये भी फुल बॉडी टाइल्स है, ये भी आप लगाओगे उस तरीके से तो ये भी क्रैक नहीं होगा। रेट की मैं बात करूँ दोनों को कंपेयर करता हूँ, साइज़ दोनों का 2x2 है, इसका भी 2x2 है। रेट की मैं बात करूँ तो ये आपको मिल जाता है ₹550 का बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर दो टाइल्स आती है, तो देखो जो रेट है वो इस तरीके से होता है। इस बॉक्स के जो बॉक्स का प्राइस है वो 550 है, इसके अंदर दो टाइल्स आती हैं। का जो बॉक्स है इसके अंदर आपकी चार टाइल्स आती है, ये ₹1000 का बॉक्स पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जो टाइल्स पड़ती है ये आपकी पड़ती है 70 से 75 रुपये स्क्वायर फीट, और ये आपकी जो टाइल पड़ती है 60 से 65 रुपये स्क्वायर फीट। तो ये दोनों टाइल्स का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है। इसके साथ में अगर आप इसमें बड़े साइज में जाना चाहते हो तो आप 2x4 में जा सकते हो। तो ये 2x4 का एक साइज़ है जो कि एक बड़ा साइज है, और ये फुल बॉडी के अंदर है। अगर आप देखोगे फुल बॉडी, तो आप अगर इसकी साइड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी वही सब्सटेंसेस हैं जो इसके आपको फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। अब इस वाले टाइल्स को आप पार्किंग में नहीं लगा सकते हो, हालांकि क्वालिटी आपकी वही है, तो क्यों नहीं लगा सकते मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि जो टाइल का साइज़ है, जो ये टाइल का साइज़ है काफ़ी बड़ा होता है, और यहाँ पर आपके इसके अंदर स्पेस गैपिंग आने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि लग नहीं सकता, अगर आप लगाओगे अच्छे तरीके से तो लग भी जाएगा और क्रैक भी नहीं, लेकिन कोशिश करें कि आप ये साइज़ ना लगाओ। तो ये था एक और साइज़ 2x4 का। रेट की अगर बात करूँ तो ये टाइल भी आपको 65 से 70 रुपये के बीच में मिल जाती है, तो ये एक होलसेलिंग प्राइस आप इसको मान सकते हो। रिटेल में अगर आप जाओगे फुल बॉडी का रेट आपको अलग मिलेगा, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो ये था इसका पार्किंग का सेक्शन। अब बात करते हैं वॉशरूम टाइल्स की। वॉशरूम की सिर्फ फ्लोरिंग की बात करूंगा क्योंकि वॉशरूम का पूरा मैं वॉल टाइल्स के बारे में पहले बता चुका हूं। फिर भी कुछ ऐसा इसका वीडियो का एक पार्ट है जिसमें वॉल टाइल्स की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं वॉशरूम की फ्लोरिंग की। तो वॉशरूम की फ्लोरिंग के ऊपर भी आप इन टाइल्स को लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा आपको वॉशरूम की फ्लोरिंग टाइल्स। तो अब बात करते हैं वॉशरूम की फ्लोरिंग पे। तो जैसे मैंने आपको बताया वॉशरूम की फ्लोरिंग पे ये जैसे आप टाइल देख रहे हो ये भी 2x2 के अंदर है, ये भी आप लगा सकते हो। थोड़ा सा एक मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देख रहे हो, तो जैसे इसके अंदर वॉशरूम की टाइल्स लगी है इपॉक्सी के साथ, तो आपको इसके अंदर इपॉक्सी के साथ ही फ्लोरिंग टाइल्स लगानी चाहिए वॉशरूम के अंदर, क्योंकि ये जॉइंट्स जब टाइल्स के जॉइंट्स मिलते हैं तो यहाँ के इसके जॉइंट्स के बीच में गैप हो जाता है, जो ग्राउट या सीमेंट नहीं है उसके अंदर डालना चाहिए। तो इसलिए उसके अंदर 5 mm, 6 mm या जैसा आपका डिज़ाइनर डिज़ाइन करके आपको देता है या जैसे आपका आर्किटेक्चर वर्क प्लानिंग कहती है उसके
अकॉर्डिंग आपको उसका प्लानिंग करके उसके अंदर आपको इपॉक्सी ग्राउट भरना चाहिए। तो इपॉक्सी ग्राउट से होता क्या है कि आपकी वाटर प्रूफिंग हो जाती है, और टाइल्स के अंदर से तो वाटर एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता बिकॉज ये विट्रीफाइड बॉडी मतलब फुल बॉडी टाइल्स हैं, और यहाँ से आप जो इपॉक्सी है वो आपके पानी को रोक लेती है, तो अच्छी वाटर प्रूफिंग हो जाती है, तो चीज़ें आपकी सेफ रहती है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह की आप उसमें लगा सकते हो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ विट्रीफाइड बॉडी। तो विट्रीफाइड बॉडी में जैसे आपने आजकल देखा कि मोरक्कन टाइल्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मैंने पहले भी आपको कुछ वीडियोस में दिखाया, तो ये मोरक्कन टाइल्स हैं, इसके जितने भी पीस हैं ऐसे अगर आप इसको लगाते हो देन यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो मैं जो स्पेसिंग की बात कर रहा था, मैं स्पेसर की बात कर रहा था कि आप टाइल्स के बीच में स्पेसर देके इसको लगा सकते हो। तो ये विट्रीफाइड बॉडी आपको मिलती है। अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि विट्रीफाइड बॉडी है या आपकी नॉर्मल सिरेमिक बॉडी है। तो मार्केट के अंदर आपको ना इस तरह की टाइल्स भी मिलती हैं, ये आपकी सिरेमिक बॉडी है और ये आपकी विट्रीफाइड बॉडी। मैं डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो जो पहचान की मैं आपको तरीका एक आपको बता देता हूँ, ये आपका विट्रीफाइड बॉडी है और ये आपका सिरेमिक बॉडी है। तो मार्केट में अगर आप जाते हैं जब भी टाइल्स खरीदें तो आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर फ़र्क आपको दिख रहा होगा, ये रेड स्टोन के अंदर है और ये आपका विट्रीफाइड बॉडी है। फ़र्क क्या है कि ये आपका वाटर एब्जॉर्ब करता है या आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो आपको इस चीज़ से बचना है। तो वीडियो बनाने का मतलब यही है ताकि आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप कहीं भी जाओ तो अगर टाइल्स खुद परचेज करने जाओ तो आपको कोई गलत मटेरियल नहीं मिले और आपका जो घर है उसके अंदर कोई गलत मटेरियल ना लगे। तो अगर मैं रेट की बात करूँ तो ये 12x12 की टाइल है, विट्रीफाइड बॉडी टाइल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है और ये पानी नहीं एब्जॉर्ब करता है। तो ये रेट की बात करूँ तो ये आपको मिलता है 40 से 45 रुपये स्क्वायर फीट, जो होलसेल प्राइस मैं आप इसका बता रहा हूँ। और जो पोर्सलिन बॉडी है या इसको सिरेमिक बॉडी भी कह सकते हैं, वैसे तो पोर्सलिन बॉडी ही होता है, तो ये अगर आप टाइल लेते हो तो इसका ये आपको मिलता है 30 से 35 रुपये स्क्वायर फीट। टाइल्स देख सकते हो, डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। आप कभी भी टाइल लेने जाओ तो ऐसा नहीं है कि आप विट्रीफाइड बॉडी का पैसा दो और आपको सिरेमिक बॉडी या पोर्सलिन बॉडी मिल जाए, तो आप फ़र्क समझ ही गए होगे। देखो, वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही होता है कि आप लोगों तक मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ कि आप जब भी मार्केट जाओ तो कोई आपको ठग ना सके, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का आजकल जो ट्रेंड वो किस तरीके का हो चुका है। जो मार्केट के अंदर इतने ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है, चाहे बेशक वो डिज़ाइनर है या वो होलसेलर है या वो दुकानदार है या वो आर्किटेक्ट ही क्यों ना है। तो अगर आपको खुद से इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, तो आप इस चीज़ के अंदर नहीं जा सकते हो। बाकी आपको एक इसका एक रेशो भी बता देता हूँ कि जो ये वाले बॉडी होती है 0.1% पानी एब्जॉर्ब करती है और ये 3.25% पानी एब्जॉर्ब करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो पानी एब्जॉर्ब करता है वो अच्छा नहीं है, और जो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है या ना के बराबर करता है वो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट के ऊपर, जो है वॉल टाइल्स। आपके वॉशरूम की टाइल्स हो या आपके लिफ्ट लॉबी की हो या आपके किसी ऐसे क्लैडिंग की हो जैसे टीवी यूनिट के बैक साइड में, तो उनकी बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। ये एक और टाइल है जो बिल्कुल डिफरेंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप इसको फील करोगे तो आपको इसको टेक्सचर फील होगा। 2x4 के अंदर ऐसे आपको और भी बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जिस तरह की ये कार्विंग टाइल्स या टेक्सचर टाइल्स है, इसको आप फ्लोरिंग पर लगा सकते हो और इसको आप दीवार पर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको फ्लोरिंग पर लगाओगे तो इसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता, मतलब इसके ऊपर फिसलन नहीं होगी उतनी, तो एंटी स्लिप टाइल्स को बोल सकते हैं। रेट की बात करूँ तो 40 से 55 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको 2x4 में बहुत सारे ऑप्शन से मिल जाते हैं। तो रेट जो होलसेलिंग प्राइस में आपको बार बार बता रहा हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करके एग्जैक्ट रेट पता कर सकते हो। अब बात करते हैं वॉल टाइल्स के अंदर। तो वॉल टाइल्स के अंदर आपके बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे कि आपका वॉशरूम है, तो वॉशरूम को अभी हम स्किप करते हैं। अब हम आ जाते हैं वॉल टाइल्स के ऊपर। तो वॉल टाइल्स आपके कौन से वाली वॉल टाइल्स हैं, जैसे आपका लिफ्ट लॉबी एरिया है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो लिफ्ट लॉबी या स्टेयरकेस वाला एरिया, या आपके कोई भी ऐसा नॉर्मल दीवार है जिसके ऊपर आप टाइल्स लगाना चाहते हो, या आपका कोई टेरेस वाला एरिया है। तो फिलहाल बात करते हैं कोई स्टेयरकेस वाला एरिया या लॉबी वाला एरिया जहाँ आपकी जहाँ पे वॉल टाइल्स लगनी है। तो इस तरह की टाइल्स आप देख सकते हो, ये आपकी 12x24 के अंदर है, सिरेमिक बॉडी टाइल्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो देखो वीडियो बनाने का मतलब ये कि आपको इन्फॉर्मेशन उस तरह की मिल सके। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टाइल्स है ये सिरेमिक बॉडी टाइल्स हैं, मतलब यहाँ पर आज की जो क्वालिटी है वो ये मैटर नहीं करता कि ये सिरेमिक है या ये विट्रीफाइड है, क्योंकि यहाँ पर आपका पानी नहीं आना है आपके, तो वाटर एब्जॉर्ब वाला या आपका जो सीलन वाला वो चक्कर इसमें वो वाला मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। तो इसकी हम बात करूँ तो अगर ये आप टाइल देखोगे तो हल्की मेटालिक आपको टाइल दिखेगी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दिखाऊं तो ये कोई हल्की सी मेटालिक या ग्लू टाइप में आपको इसके ऊपर काम हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको, तो इस इन टाइल्स को आप लगा सकते हो ऐसे एरियाज़ में, जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको बहुत सारी फोटोज़ दिखाई स्टेयर केस के अंदर। अब बात करते हैं कि जैसे आजकल टीवी यूनिट के बैक साइड पे भी हम वॉल टाइल्स लगा रहे हैं, तो इस तरीके की अगर टाइल्स देखोगे तो टीवी यूनिट के बैक साइड में आप लगा सकते हो। 32x64 का ये साइज़ है, तो ये विट्रीफाइड बॉडी टाइल है।
तो देखो वीडियो बनाने का मतलब है कि आपके जो डाउट क्लियर हो सके, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये विट्रीफाइड बॉडी टाइल है, लेकिन अगर आप इसको टीवी यूनिट के पीछे लगा रहे हो तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि पानी अब्जॉर्ब करे या नहीं करे, तो ये विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स है, वहाँ पर आपका सेरेमिक बॉडी टाइल्स थी। तो जिस तरह का आपका बजट है आप उस तरह लगा सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये एक और टाइल है जो आपको वुडन प्लैंक्स की तरह दिख रहा होगा, तो आप इसको भी दीवार पे भी लगा सकते हो, फ्लोरिंग पे भी लगा सकते हो। तो इसके ये 840 का साइज़ है और इसके अंदर आपको अलग अलग प्लैंक्स मिलते हैं। इस टाइल्स को आप कैसे लगा सकते हो कि आप इसको वुडन फ्लोरिंग की तरह दिखा सकते हो या प्लैंक्स की तरह लगा सकते हो, दीवार पे भी लगा सकते हो, फ्लोरिंग पे भी लगा सकते हो। तो ये वो टाइल्स थी जिनको आप लगा सकते हो। मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, एक आपका स्टेयर केस लिफ्ट लॉबी के अंदर, एक आपका टीवी यूनिट या आपकी बेड बैक की वॉल है या आपकी नॉर्मल वॉल्स हैं, या एक जहाँ पर आप वुडन कुछ टच देना चाहते हो, बालकनीज है। जितना भी ये टाइल है ये आपकी 40 रुपये से लेकर 55 रुपये स्क्वायर फीट तक पड़ती है। तो रेट मैं आपको होलसेलिंग का बता रहा हूँ, एग्जैक्ट रेट के लिए मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। फ्लोरिंग टाइल्स के लिए मुझे आना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक के अंदर जितना भी मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा बल्क में था और वहाँ पर डिस्प्ले उस तरीके से आपको नहीं दिखाई देता क्योंकि ये साइज काफ़ी बड़ा है। तो फ्लोरिंग टाइल्स के लिए मैं आपको दिखाने लाया हूँ 32x64 का साइज और आपको 4x4 का साइज। जितना भी अगर आप ये फ्लोरिंग टाइल्स देखते हो तो ये आपका रेप्लिकेट करता है इटालियन फ्लोरिंग को, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए हमें फ्लोरिंग इस तरीके से लगानी चाहिए ताकि ये आपकी जो फ्लोरिंग है, जो इटालियन फ्लोरिंग है या इंडियन मार्बल है, उस तरीके की प्रिंट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसा अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही बर्बरी बेज, अगर इसको कहीं टाइल तो बिल्कुल उसी का आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें फ्लोरिंग के अंदर इस तरह की टाइल्स क्यों लगानी चाहिए। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 3264 के अंदर आपको डबल चार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी वैरायटीज़ नहीं मिलती है, इस तरीके के आपको डिजिटल पैटर्न प्रिंट्स नहीं उसके अंदर मिलेंगे, ये विट्रीफाइड बॉडी के अंदर ही मिलेंगे। रेट की बात करूँ तो ये आपको मिलता है 55 रुपये से 60 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा होलसेल प्राइस मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, तो ये होलसेल प्राइस है। तो ये था आपका फ्लोरिंग का पार्ट। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको ऐसे अलग अलग और भी पार्ट मिलने वाले हैं। अब मैं देता हूं आपको कस्टमाइजेशन के ऊपर, जिसके ऊपर अभी तक कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वाले पार्ट को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, कस्टमाइजेशन क्या होता है। तो मैं कहता हूं कि वीडियो का लास्ट पार्ट है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। तो ये आप एक नॉर्मल टाइल मेरे पीछे देख रहे हो, ये 2x4 का विट्रीफाइड बॉडी टाइल है। टाइल की अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो 45 से 50 फुट के बीच में आपको इस तरह की टाइल्स मिल जाती हैं। तो अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये इस तरह की टाइल्स, यही वो वाले टाइल हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दोनों साइड पे इसमें आपको हल्का सा टेपर में कटिंग दिखाई दे रही होगी, और यहाँ अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्ट्रिप्स दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग करके डिज़ाइन कर सकते हो। कॉस्टिंग की तो मैंने आपको टाइल्स का बता दिया, लेकिन कस्टमाइजेशन का इसका अलग चार्ज होता है, वो डिपेंड करता है इसके डिज़ाइनिंग किस तरह की है, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं आपको एक और चीज़ एक और पीस दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो अगर आप इस तरह का डिज़ाइन देखोगे तो ये मोज़ेक बनाया हुआ है सेम टाइल्स के अंदर। तो ये नॉर्मल विट्रीफाइड बॉडी के अंदर मोज़ेक बनाया हुआ है। एक और डिज़ाइन मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ, वो है ये आपका प्लस माइनस का डिज़ाइन, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो हल्का प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके का बहुत खूबसूरत मोज़ेक आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने जैसे आपको बताया, जो वीडियो आपने देखा है, जो आई बटन पे मैंने बताया था क्लिक करके आप देख सकते हो, तो वहाँ भी मैंने इस तरह के पैटर्न यूज़ किए थे। तो ये इस तरीके के आपको जो कस्टमाइजेशन है मिल जाती है, इसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा डिज़ाइन मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्चर प्लानिंग क्या कहती है, आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या कहती है। तो जो प्राइस सेगमेंट है वो मैं जैसे बता रहा हूँ कि कस्टमाइजेशन के जो प्राइस सेगमेंट, वो डिपेंड करते हैं कि आपका डिज़ाइनिंग कैसा है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं कस्टमाइजेशन पे पूरा प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी मिल सके।